बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग मैकेनिक्स चैप्टर में सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हुआ था और सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए थे। सर्कुलर मोशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन के कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल्स क्या हैं और सर्कुलर मोशन क्यों होता है, सर्कुलर मोशन होने की वजह क्या है, इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। हमने आपको पिछले पार्ट में जो पढ़ाया था उसमें यह बताया था कि किसी भी पार्टिकल पर यदि आप फोर्स लगाइए तो जो ही फोर्स लगाओगे वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन करना चाहेगी और स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन स्टार्ट करेगी। लेकिन यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है या चलना स्टार्ट की और उसी समय यदि हम उसके मोशन के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट फोर्स कंटिन्यूअस लगा दें तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। और हमने आपको फिगर में भी बताया था कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो यहां से स्ट्रेट लाइन पाथ पे इस तरफ जाना चाहती है, लेकिन यदि हम इस मोशन के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दें, देखिए मोशन इधर की तरफ करना चाह रही है लेकिन हम मोशन के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट फोर्स लगाए रखें तो पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाएगा। पार्टिकल कहीं भी जाएगी इस पाथ पे तो पार्टिकल तो हमेशा चाहेगी कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले ऐसे, लेकिन यदि परपेंडिकुलर फोर्स, देखिए मोशन इस तरफ होना चाह, मोशन इस तरफ पार्टिकल करना चाह रही है, यदि आप इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाए रखे हैं कंटिन्यूअस तो निश्चित रूप से इसका पाथ सर्कुलर होगा। यदि पार्टिकल यहां आई तो इस तरफ जाना चाहेगी, लेकिन यदि परपेंडिकुलर फोर्स कंटिन्यूअस लगाए हुए हैं तो इसका पाथ सर्कुलर होगा। तो कुल मिला के यहां तक हम लोगों ने समझ लिया था कि कोई भी पार्टिकल यदि मोशन कर रही है और मोशन के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट फोर्स कंटिन्यूअस लगाए रखा जाए तो उस पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा। यानी सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि कोई भी पार्टिकल यदि मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ पर तो उस पर मोशन के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट फोर्स और कंटिन्यूअस लगाए रखा जाए तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। इसके अलावा सर्कुलर मोशन कराने का कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है सर्कुलर मोशन कराने का, चाहे वो यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो चाहे यूनिवर्स की लार्जेस्ट पार्टिकल हो। अब आपने यहां देखा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन कर रही थी लेकिन हमने मोशन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा दिया कांस्टेंट तो इसका पाथ सर्कुलर हो गया। हाँ, ये फोर्स लगाए रखना है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट की और आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया परपेंडिकुलर और फिर छोड़ दिया तब नहीं सर्कुलर पाथ होगा। आपको मोशन के परपेंडिकुलर कंटिन्यूअस फोर्स लगाए रखना है तब जाके पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा। ये जो फोर्स हमने लगाया है मोशन के परपेंडिकुलर, ये मोशन के परपेंडिकुलर तो है ही, साथ ही साथ सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ भी है। ध्यान दें, ये जो फोर्स हम दिखा रहे हैं यह मोशन के परपेंडिकुलर तो है लेकिन साथ ही साथ सेंटर की तरफ भी है, इसलिए इस फोर्स को सेंटर की तरफ होने के नाते इसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, यानी एफ को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे बहुत लोग एफसी से भी डिनोट करते हैं, तो चाहे तो एफ से लिखिए या चाहे तो एफसी से लिख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन कर रही हो और उस पर मोशन के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट फोर्स हम लगा दें, कंटिन्यूअस लगाए रखें तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। और जो फोर्स हम मोशन के परपेंडिकुलर लगाते हैं सर्कुलर मोशन कराने के लिए, वह फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर तो होता ही है साथ साथ सेंटर की तरफ भी होता है, इसलिए इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स या बिना इस फोर्स के लगाए इस ब्रह्मांड का कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो आप ये कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ओनली द फोर्स
विच रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एक अकेला फोर्स है जो किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी भी पार्टिकल को यदि आप सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं तो ये वाला फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। बिना इस फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, आप जानते हो कि जहां भी फोर्स लगाओगे वहां अपने आप एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगा। कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ पे मोशन कर रही हो, यदि उस पर बाहर से एक फोर्स लगा दिया गया है, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया है, तो जो ही फोर्स लगाया जाएगा पार्टिकल में अपने आप एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगा। और वेक्टर एलजेब्रा के रूल से जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही हैं, गारंटी है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, बिना इसके सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो निश्चित रूप से सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल में एक्सीलरेशन भी होगा, और एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर फोर्स का डायरेक्शन है। तो चूंकि फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की ओर होने के नाते हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इसलिए इस फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन पैदा हुआ वो भी सेंटर की ही ओर होगा। क्योंकि मैंने बताया है कि जब किसी पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो जो फोर्स लगाओगे त्यों एक्सीलरेशन पैदा होगा, और जिधर फोर्स लगाओगे उधर एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के नाते जो एक्सीलरेशन पैदा हुआ उसका भी डायरेक्शन फोर्स की तरफ यानी सेंटर की तरफ होगा, इसलिए इस एक्सीलरेशन को भी हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, क्योंकि ये भी सेंटर की तरफ होता है। इसे एसी से डिनोट करते हैं और इसे सेंट्रीपिटल फोर्स, या बहुत सारे लोग इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या बहुत सारे लोग इसे रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं, क्योंकि रेडियस के अलांग है और सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ होने के नाते सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और रेडियस के अलांग होने के नाते इसको रेडियल एक्सीलरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि इस यूनिवर्स की कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रही है, किसी भी पार्टिकल को आप सर्कुलर मोशन करते हुए देखें तो आप एक बात समझ जाएं कि निश्चित रूप से उस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी आप सर्कुलर मोशन होते देखिएगा तो आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि यदि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो गारंटी है कुछ पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि बिना उसके इस ब्रह्मांड में सर्कुलर मोशन होना संभव नहीं है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा या सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन भी पैदा हो जाएगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और यहां पर लिख दीजिएगा कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन नेवर बी पॉसिबल। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन संभव नहीं है, ठीक है। इतना आप सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन भी याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लगाते हैं वह सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाता है, लेकिन पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं कर पाता है, ना वो स्पीड को कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता है। यानी आप इसमें दूसरा सिंबल लगा के लिख दीजिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन बट इट कैन नॉट बी चेंज द इट कैन नॉट बी चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो ये छोटी बातें हैं
लेकिन आगे बड़ी अहम बातें हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आगे जब थोड़ी सी एनालिसिस पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बस इतनी सी दो बात याद रखना कि सेंट्रिपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। तो यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो निश्चित रूप से उस पर सेंटर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन कराता है। तो यदि आपको किसी पार्टिकल को सिर्फ सर्कुलर मोशन कराना है तो केवल सेंट्रिपिटल फोर्स लगा दीजिए, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स पार्टिकल के स्पीड में चेंज नहीं कर सकता, ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, ठीक है। ये मैकेनिक्स है, इसकी हर छोटी बात आपको अच्छे से याद करिएगा, तैयार कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, आपको इजी लगेगा। अब देखिए अगली हेडिंग डाल लें, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का यदि क्लासिफिकेशन किया जाए तो सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, दोनों को आप कायदे से समझ लीजिए तो उसके बाद तब आगे की चीज देखी जाए। यदि आपसे कहा जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, ए सर्कुलर मोशन इन विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे लिख सकते हैं कि यदि कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर नियत चाल से घूम रही हो, उसके चाल में कोई परिवर्तन गति के दौरान न हो रही हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कांस्टेंट स्पीड से होने वाले सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे घूम रही है और घूमते समय उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, तो आप ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलती है लेकिन उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है। और हमने अभी आपको जब सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रही है और मोशन के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा दीजिए तो वो फोर्स उसकी स्पीड को बढ़ा देगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रही है और उस पर मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगा दीजिए तो उस पार्टिकल की स्पीड कम हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी मोशन के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स सिर्फ स्पीड बढ़ाते हैं। तो हमें यदि स्पीड बढ़ानी हो तो मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, किसी पार्टिकल की स्पीड घटानी हो तो मोशन के अपोजिट फोर्स लगाएं, और यदि किसी पार्टिकल का पाथ सिर्फ सर्कुलर करना है, स्पीड में कोई चेंज नहीं करना है, तो उस पर सिर्फ एक फोर्स लगाया जाए, मोशन के परपेंडिकुलर यानी सेंटीमीटर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदि कोई पार्टिकल कर रही है, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है और ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है यानी इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो हमने आपको जो तीन फोर्स बताए थे कि यदि स्पीड बढ़ानी हो तो मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, स्पीड घटानी हो तो मोशन के अपोजिट फोर्स लगाइए, और यदि सर्कुलर मोशन कराना है तो मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाइए। तीन चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलती है लेकिन स्पीड में चेंज नहीं होता, तो जब स्पीड में चेंज नहीं होता तो इन दोनों फोर्स को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्कुलर मोशन कराना है, एक ही फोर्स जरूरत है। तो मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट की, तो पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाना चाहती है, हमें सर्कुलर मोशन कराना है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी। पार्टिकल जहाँ भी जाएगी वहीं से स्ट्रेट पाथ पे मोशन हमेशा करना चाहेगी, लेकिन यदि हम मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाए हैं तो उसका पाथ सर्कुलर होगा, वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करती रहेगी। तो ये यूनिफॉर्म यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स लगा हुआ है सेंटर की तरफ, यह पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराता रहेगा। और हमने बताया था कि यदि ये फोर्स किसी पार्टिकल पे लगा है तो वो सर्कुलर मोशन तो कराएगा लेकिन पार्टिकल के स्पीड में कोई चेंज नहीं कर पाएगा और पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। एक बात याद रखिएगा कि जब पार्टिकल सर्कुलर अच्छा सेंटर की तरफ फोर्स लगा है तो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन भी होगा, जिसे सेंटीपेटल एक्सीलरेशन कहेंगे। यहां पर जो विशेष तौर पर बताना चाहते हैं कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन के दौरान उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। देखिए यहां पर पार्टिकल है तो उसके मोशन का डायरेक्शन ये है, फिर जब पार्टिकल यहां आई तो मोशन का डायरेक्शन ये है, फिर जब पार्टिकल यहां आई तो मोशन का डायरेक्शन ये है। यानी यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, इसलिए पार्टिकल से रिलेटेड जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है तो सर्कुलर मोशन के दौरान उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उस पार्टिकल से रिलेटेड जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है वो सब का सब चेंज होगा। क्योंकि जब वेक्टर स्केलर का डेफिनेशन बताया था हमने तो ये बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज की प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी वेक्टर हैं यदि उनका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसलिए यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो चूंकि सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल का डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, इसलिए डायरेक्शन चेंज होने के नाते पार्टिकल से रिलेटेड जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं सब चेंज होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये क्वांटिटी में से कौन सी कांस्टेंट रहती है, इस क्वांटिटी में से कौन सी वेरिएबल होती है, ये तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो सीधे तौर पर मोटी मोटा आप याद रखिएगा कि यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो चूंकि लगातार डायरेक्शन बदल रहा है मोशन करते समय, इसलिए पार्टिकल से रिलेटेड जितनी वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो बदलती हैं। अब जैसे यहां पर पार्टिकल यहां है ए पर, तो इसके मोशन का डायरेक्शन ये है, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए भले ही सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में पार्टिकल की स्पीड तो नहीं बदलेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के नाते वेलोसिटी चेंज होगी। तो मान लीजिए पार्टिकल यहां है, इसकी वेलोसिटी हम v1 रख दिए, पार्टिकल यहां है इसकी वेलोसिटी v2 कर दिए, यहां है तो v3 बोल दिए, यहां है तो v4 बोल दिए। ये बड़ा माइनर डिफरेंस याद रखिएगा कि यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी चेंज होगी। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड कहते क्या डिफरेंस है इनमें? बड़ा सीधा सीधा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको स्पीड कहते हैं। मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये 10 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही स्पीड है। तो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है और यहां इसकी भी स्पीड 10 है, यहां भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, यहां भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, यहां भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी। यानी आपको जो फिगर में दिखाया गया है कि ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रही है और पूरे मोशन के दौरान इसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है v1 से v2, v2 से v3, v3 से v4। ठीक, तो यहां पर जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फिगर बनाएंगे तो नीचे कुछ बातें छोटी छोटी लिख लें। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड मोटी मोटा दो चार बात। पहला,
यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर सिर्फ एक फोर्स सेंटीपिटल और एक एक्सीलरेशन सेंटीपिटल काम करता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदि कोई पार्टिकल कर रही है तो उस पार्टिकल पर फोर्स सिर्फ एक लगता है यूनिफॉर्म अरे सेंटीपिटल, और एक्सीलरेशन भी पार्टिकल में एक ही होता है सेंटीपिटल। दूसरी बात, तो यहां पर आप देख सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली वन फोर्स सेंटीपिटल एंड ओनली वन एक्सीलरेशन सेंटीपिटल इज एक्ट्स ऑन पार्टिकल। पहली बात याद रखिएगा, यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पर सिर्फ एक फोर्स और एक ही एक्सीलरेशन काम करता है। तो यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है और आपसे पूछ दिया गया कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताइए, तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाली पार्टिकल में एक ही एक्सीलरेशन ही होता है तो एक्सीलरेशन पूछा जाए चाहे सेंटीपिटल पूछा जाए वही एक बताइए, वही सेंटीपिटल बता दीजिए। दूसरी बात, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरिएबल। स्पीड तो कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तीसरी चीज, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। जहां तक पोटेंशियल एनर्जी का सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगी। तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी लिख लीजिए। तो इतनी सी बात आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखना कि कोई भी पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो मोशन के दौरान उस पर एक फोर्स सेंटीपिटल और एक ही एक्सीलरेशन सेंटीपिटल काम करेगा। स्पीड पूरे यात्रा के दौरान कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि पार्टिकल पर एक ही फोर्स ही लग रहा है सेंटीपिटल, जो मोशन के परपेंडिकुलर है। और मैंने बताया है कि मोशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगते हैं वह सिर्फ सर्कुलर मोशन करा सकते हैं लेकिन स्पीड में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ आपको किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराना है, स्पीड चेंज नहीं करना है, तो मोशन के परपेंडिकुलर वाला फोर्स लगा दीजिए। ये दोनों फोर्स स्पीड को चेंज करते हैं। मोशन के डायरेक्शन में लगा दो तो स्पीड बढ़ जाएगी, मोशन के अपोजिट लगा दो तो स्पीड घट जाएगी, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो तो पाथ सर्कुलर होने लगेगा। तो चूंकि हमें स्पीड नहीं बदलनी है इसलिए ये दोनों फोर्स की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सर्कुलर मोशन कराना है इसलिए मोशन की परपेंडिकुलर फोर्स। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स एक ही एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि सर्कुलर मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये अभी जो डेफिनेशन बताया हूं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। अब आप दूसरी हेडिंग डाल लीजिए टाइप है बी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन हो जाएगा कि ए सर्कुलर मोशन इन विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज वेरिएबल कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कॉल्ड
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यदि कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे इस तरह मोशन कर रही हो कि मोशन के दौरान उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही हो, तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर इस तरह गति कर रहा हो कि गति के दौरान उसकी चाल निरंतर परिवर्तित हो रही हो, या तो लगातार बढ़ रही हो या लगातार घट रही हो, उसकी चाल निरंतर परिवर्तित हो रही हो, तो ऐसे मोशन को या ऐसे वृत्तीय गति को हम असमान वृत्तीय गति या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसको हिंदी में असमान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी जो कण असमान वृत्तीय गति करता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, उसमें दो चीजें, स्पीड भी चेंज हो रही है और पथ तो वृत्तीय है ही है, तभी ये सर्कुलर मोशन होगा। तो इसका मतलब कि यदि किसी पार्टिकल को आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं, असमान वृत्तीय गति कराना चाहते हैं, तो आपको स्पीड बदलना होगा और वृत्तीय पथ पर गति कराना होगा। तो ये फोर्स वृत्तिगत के लिए उत्तरदायी है। तो किसी भी कण को यदि वृत्ति पथ पर घुमाना है तो ये फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना इस फोर्स के वृत्ति गति होगी नहीं। और यदि आप चाहते हैं कि वृत्ति गति होते समय स्पीड भी चेंज हो, तो इन दोनों में से कोई फोर्स लगा दीजिए। तो यदि ये फोर्स लगा देंगे मोशन के परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल वृत्ति गति करने लगेगी, और यदि मोशन के डायरेक्शन वाला फोर्स लगा देंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी। तो यदि आप चाहते हो कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे भी घूमे, स्पीड भी चेंज हो, तो आपको दो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक सर्कुलर मोशन कराने वाला और एक स्पीड बढ़ाने वाला या स्पीड घटाने वाला। ये तीन फोर्स का डाटा याद रखिएगा कि सिर्फ सर्कुलर मोशन कराना चाहते हो, स्पीड में कोई चेंज करना नहीं चाहते हो, तो सिर्फ ये फोर्स लगाइए। यदि आप चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन हो, स्पीड बढ़े, तो सर्कुलर मोशन के लिए ये लगाइए, स्पीड बढ़ाने के लिए ये भी लगाइए। यदि आप चाहते हैं सर्कुलर मोशन करें लेकिन स्पीड घटे, तो सर्कुलर मोशन के लिए ये लगाइए, स्पीड घटने के तब दो दो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। तो यहां पर मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन कर रही है तो गारंटी है कि उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है या मोशन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, इसी वजह से सर्कुलर मोशन करेगी। लेकिन यदि हम मोशन के डायरेक्शन में एक फोर्स और लगा दें तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए ये मोशन का डायरेक्शन है, इधर एक फोर्स और हमने लगा दिया, जब एक फोर्स और लगा देंगे तो दो दो फोर्स लग गया। ये वाला फोर्स सर्कुलर मोशन करा रहा है, पार्टिकल को लगातार कराता रहेगा और कुछ नहीं करेगा, और मोशन के डायरेक्शन में हमने जो फोर्स लगा दिया यह फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो चूंकि ये फोर्स मोशन के डायरेक्शन में है और टेंजेंट के भी डायरेक्शन में है, इसलिए इस फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है। चाहे स्पीड बढ़ाना हो तो मोशन की तरफ लगाएंगे, स्पीड घटाना हो तो मोशन के अपोजिट नीचे की तरफ लगाएंगे, लेकिन चाहे ऊपर लगाइए या नीचे, दोनों मोशन के डायरेक्शन में अपोजिट तो है, साथ ही साथ टेंजेंट के भी डायरेक्शन में है, इसलिए स्पीड बढ़ाने या घटाने वाले जो फोर्स होते हैं उन्हें हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। तो जब आप पार्टिकल पे टेंजेंशियल फोर्स भी लगा दोगे, यानी मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे, तो पार्टिकल की स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। यहां 10 है, मान लीजिए यहाँ 20 हो गई, यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कुल मिलाकर के यदि किसी पार्टिकल को असमान वृत्ति गति कराना है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराना है, तो दो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक सेंटीमीटर जो गोल गोल घुमाता रहे और दूसरा टेंजेंशियल जो स्पीड भी बढ़ाता रहे, क्योंकि कई बार बता चुके हैं कि ये फोर्स सिर्फ गोल गोल घुमा सकता है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन स्पीड में चेंज करने की हैसियत इसकी नहीं है। तो यदि आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराना है तो आपको करना क्या है, सर्कुलर मोशन भी पार्टिकल करे, स्पीड भी बढ़े, तो सर्कुलर मोशन के लिए ये लगा दीजिए, ये घुमाता रहेगा गोल गोल, और स्पीड बढ़ाना है तो मोशन के डायरेक्शन में यानी टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगा दीजिए। तो अब इसके वजह से गोल गोल घूमेगी और इसकी वजह से स्पीड भी बढ़ती जाएगी। अब चूंकि वृत्ति गति भी कर रही है और स्पीड भी बदल रहा है, इसलिए मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है और स्पीड भी चेंज होती रहती है। तो अब यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिए। अब जब टेंजेंट की डायरेक्शन में, अभी मैंने बताया है
कि किसी भी पार्टिकल पे यदि फोर्स लगाएंगे तो निश्चित रूप से एक्सीलरेशन पैदा होगा, और जिधर फोर्स लगाएंगे उधर एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए जब हम सेंट्रीपेटल फोर्स लगाए तो इसके वजह से एक एक्सीलरेशन पैदा होगा जिसे सेंट्रीपेटल कहते हैं, और स्पीड बढ़ाने के लिए हम टेंजेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए तो इसके वजह से भी एक एक्सीलरेशन पैदा होगा जिसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदि कोई पार्टिकल कर रही है तो उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपेटल और एक टेंजेंशियल, और दो फोर्स के नाते पार्टिकल में दो एक्सीलरेशन पैदा होता है, एक सेंट्रीपेटल और एक टेंजेंशियल। तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदि कोई पार्टिकल कर रही है तो उस पर दो फोर्स और दो एक्सीलरेशन काम करते हैं, जिन्हें हम सेंट्रीपेटल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक एक पॉइंट इससे रिलेटेड आप लिख लें। सबसे पहली चीज, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ इज वेरिएबल। ये सब याद रखना बेटा, तभी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो जितने देर तक वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती रहेगी उसकी स्पीड भी चेंज होती रहेगी और डायरेक्शन के नाते वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी, दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं होगा। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देर आर टू फोर्सेस, सेंट्रीपेटल एंड टेंजेंशियल, एंड टू एक्सीलरेशंस सेंट्रीपेटल एंड टेंजेंशियल इज एक्ट्स ऑन पार्टिकल। विशेष तौर पर याद रखना कि यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते समय पार्टिकल पे दो फोर्स लगते हैं, दो एक्सीलरेशन लगते हैं, एक टेंजेंशियल और सेंट्रीपेटल फोर्स, और एक्सीलरेशन भी दो, टेंजेंशियल और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर जरा एक चीज और ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक, तो सर्कुलर मोशन यदि कर रही है तो गारंटी है कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा है, और जब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन भी होगा जिसे हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहेंगे। और दूसरा, चूंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए टेंजेंट के भी डायरेक्शन में फोर्स लगा है, नहीं तो स्पीड ही नहीं चेंज होती, और जब टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो टेंजेंट के डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन होगा जिसे हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इस तरह से यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस पार्टिकल पे दो एक्सीलरेशन काम करेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अब इन दोनों का यदि हम रिजल्टेंट निकालें वेक्टर मेथड से तो ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हो गया, मान लीजिए ये एंगल थीटा, तो चूंकि ये एक्सीलरेशन और ये एक्सीलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, द नेट एक्सीलरेशन ऑन पार्टिकल। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ये तरीका यूज किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है और पूछ दिया जाए कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताइए, तब यही बताना है आपको रिजल्टेंट, और यदि कहता है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बताइए तो सिर्फ एसी बताइए, कहता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताइए तो सिर्फ ये बताइए। लेकिन यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है और कहा जाए कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताइए तो इसका मतलब कि ये रिजल्टेंट पूछ रहा है
तो इन दोनों की वैल्यू रखिए तो रिजल्टेंट आ जाएगा। अब रिजल्टेंट डिसलेशन का डायरेक्शन किधर होगा जरा देखो, डायरेक्शन ऑफ ए, तो ये वाला आप ट्रायंगल ले लीजिए और इसमें टेन थीटा लगा दीजिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए टी अपॉन बेस यानी ए सी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए टी अपॉन ए सी या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए टी अपॉन ए सी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में कोई पार्टिकल कर रही है तो उस पर दो फोर्स और दो एक्सीलरेशन काम करते हैं, यदि पार्टिकल का रिजल्टेंट एक्सीलरेशन पूछा जाए या एक्सीलरेशन पूछा जाए तो आपको इस फार्मूले से निकाल के बताना पड़ेगा, क्योंकि दो दो एक्सीलरेशन है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपको दो तरह का सर्कुलर मोशन बताया गया, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसमें तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों का डेफिनेशन हो गया, अब इसमें थोड़ी सी बेसिक बातें कुछ समझ लें फिर आगे बढ़ा जाए। सबसे पहली चीज कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल ट्रीट करते हैं, बॉडी नहीं। बॉडी और पार्टिकल में अंतर क्या है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रही है और मोशन के दौरान उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, यदि उस डिस्टेंस के कंपेयर में खुद ऑब्जेक्ट की साइज नेग्लिजिबल है तो उस मोशन के लिए वहां ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मानते हैं, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और मोशन के दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसके कंपेयर में उसकी साइज नेग्लिजिबल नहीं है तो वहां ऑब्जेक्ट को हम बॉडी मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कार लीजिए और कार से 4000 किलोमीटर की यात्रा कीजिए, तो 4000 किलोमीटर की तुलना में कार की साइज नेग्लिजिबल है तो उस मोशन में कार को पार्टिकल मानेंगे। और मान लीजिए आपने कार से मोशन किया 50 मीटर, तो यदि 50 ही मीटर आपने यात्रा किया है तो उस डिस्टेंस के कंपेयर में कार की साइज तो नेग्लिजिबल नहीं है, इसलिए वहां कार को पार्टिकल नहीं बॉडी मानेंगे। क्लियर कि बॉडी कब किसी ऑब्जेक्ट को मानोगे, कब किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मानोगे। अब दूसरी चीज यहां पर समझ लो कि किसी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मानना और बॉडी मानना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए मैं बहुत सरल भाषा में संक्षेप में बताता हूं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और आप उसे पार्टिकल मान लिए, तो जब पार्टिकल मान लोगे तो होता क्या है कि जब कोई कैलकुलेशन करेंगे आप, तो कैलकुलेशन करते समय पार्टिकल का वेट शेप और साइज कंसीडर नहीं करेंगे, बिना कंसीडर किए सारे डेरिवेशन होंगे। और यदि ऑब्जेक्ट को आप बॉडी मान लिए और तब उसके मोशन की यदि एनालिसिस करेंगे, कोई डेरिवेशन करेंगे, तो वहां पार्टिकल का शेप भी लिया जाएगा, साइज भी लिया जाएगा, वेट भी लिया जाएगा। इसीलिए पार्टिकल यदि मोशन कर रही है तो उसके सारे फार्मूले अलग आते हैं, और बॉडी यदि मोशन कर रही है तो उसके सारे फार्मूले अलग आते हैं, ये माइनरली ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात, इन सर्कुलर मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज पार्टिकल। पहली बात, यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसे हम पार्टिकल मानेंगे सर्कुलर मोशन में। और जब वही रोटेटरी पढ़ाएंगे तो रोटेटरी
फ्री मोशन जब कोई पार्टिकल करेगी, कोई ऑब्जेक्ट करेगा, तो वहां उसे पार्टिकल ना मान के तब बॉडी मानेंगे, यही विशेष डिफरेंस होता है। दूसरी बात, इन सर्कुलर मोशन द वेट शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट कंसीडर्ड। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन आप करेंगे तो मैथमेटिकल डेरिवेशन के दौरान ना तो पार्टिकल का वेट कंसीडर करेंगे, ना शेप कंसीडर करेंगे और ना साइज कंसीडर करेंगे, ये सब कंसीडर नहीं किया जाता है। और तीसरी बात, चूंकि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, और ये सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक, तो पार्टिकल की ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होगा, यही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, यही रेडियस का भी डायरेक्शन होगा, यही रेडियस का भी डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, ठीक। तो कौन कौन चीज सेम डायरेक्शन में, कौन कौन क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में है, कौन कौन सी क्वांटिटीज परपेंडिकुलर है, ये फिगर में हमने दिखा दिया। अब आपको वेक्टर अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया है कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और दो वेक्टर यदि पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आर और एटी परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो आर डॉट एटी इज इक्वल टू जीरो। एसी और एटी परपेंडिकुलर है इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। एसी और वी परपेंडिकुलर है तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। एफ सी और वी परपेंडिकुलर है इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। जो भी परपेंडिकुलर है, जो भी लिख लीजिए, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और जो सेम डायरेक्शन में हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। जैसे वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। जो भी है तो जितने परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और जितने पैरेलल होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। अब इनकी अहमियत क्या है, एक तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, और दूसरी बात इनके सवाल भी आते हैं। बोल देगा कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका रेडियस वेक्टर है 2i - xj + 5k, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है i - 3j + 2k, तो कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप जानते हो यदि कि r और at का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो क्या कीजिए, इनका डॉट प्रोडक्ट करिए r डॉट at और इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए। तो जब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके यहां लिखिए और इज इक्वल टू जीरो लिखिए, सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, इतनी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। इस पे कंपटीशन में न्यूमेरिकल भी आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये तीन पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर फोर, मान लीजिए कोई पार्टिकल मोशन कर रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कर रही है, हम ये कह रहे हैं मोशन कर रही है। ध्यान देना मेरी बात को, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी बहुत पूछते हैं। यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रही है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो है लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो नहीं है,
तो मोशन कैसा होगा? यदि किसी पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं है तो मोशन कैसा होगा? यदि किसी पार्टिकल कोई पार्टिकल मोशन कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी जीरो है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो है तो मोशन कैसा होगा? और यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रही है तो एसी जीरो नहीं है लेकिन एटी जीरो है तब मोशन कैसा होगा? ठीक, ये चार चीजें। यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रही है और मोशन के दौरान ये कंडीशन दिया है, चाहिए दिया, चाहिए दिया, चाहिए दिया है, तो उसका मोशन कैसा होगा यदि एनालिसिस करनी हो? तो यहां तो आप देख रहे हो कि एक ही मोशन के डायरेक्शन में होता है और मैंने बताया है कि मोशन के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स सिर्फ स्पीड बढ़ाते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। यानी यदि किसी पार्टिकल को मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा है या एक्सीलरेशन है तो वह सिर्फ स्पीड चेंज करेगा लेकिन पाथ नहीं चेंज करेगा, पार्टिकल स्टेट पाथ पे मोशन करती रहेगी। तो पहले केस में कहा जाए कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और उसका एसी जीरो है लेकिन एटी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसी जीरो है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं है, और जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा मोशन सर्कुलर होगा नहीं, यानी पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर रही, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है यानी एक्सीलरेशन है तो स्पीड बदलेगी, यानी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगी और विद एक्सीलरेशन, यानी यहां लिख सकते हो मोशन इज एक्सीलरेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन। और यदि ऐसा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो नहीं है यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसका मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं, वो भी है यानी वो स्पीड भी बढ़ा रहा है, यानी पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रही है, स्पीड भी चेंज हो रहा है, यानी मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर है। मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। यदि ऐसा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं है तो सर्कुलर मोशन तो होगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और एक्सीलरेशन भी नहीं है इसका मतलब स्पीड भी चेंज नहीं करेगी, यानी मोशन इज यूनिफॉर्म ऑन स्ट्रेट लाइन। और यदि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जीरो नहीं है यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी है यानी सर्कुलर मोशन हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं यानी स्पीड बढ़ाने वाला कोई नहीं है, यानी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन कितने टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में किन किन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब सर्कुलर मोशन की पढ़ाई करते समय कौन कौन से वेरिएबल्स, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आपको जानने चाहिए, इसकी पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाकी आगे की पढ़ाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।